मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को सिरमौर प्रवास के दूसरे व अंतिम दिन पांवटा विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि सभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की और प्रदेशवासियों को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल विशेष रूप से मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पांवटा निर्वाचन क्षेत्र के गांव मुगलावाला करतारपुर में 2,13,00,000 की लागत से निर्मित उठाऊ पेयजल योजना अजौली नारीवाला ज्वालापुर व 2,03,00,000 रुपए से निर्मित सिंचाई योजना अपर काशीपुर किशनकोट और 1,40,00,000 रुपए से निर्मित उठाऊ सिंचाई योजना मुगलावाला करतारपुर का लोकार्पण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुरवाला में विद्युत बोर्ड के उपमंडल कार्यालय का शुभारंभ करने के उपरांत 80,00,000 रुपए की लागत से निर्मित होने वाले दो छोटे पुलों खोड़ोवाला खाला और मेहरूवाला खाला की भी आधारशिला रखी। गोरखुवाला में अपने जनसंबोधन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश को केंद्र सरकार की तरफ से पूरी मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि 9 माह के छोटे से कार्यकाल में हिमाचल सरकार को केंद्र की तरफ से करीब 9,000 करोड़ रुपए की मदद मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी केंद्र से मदद का पूरा भरोसा मिला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों से अपील की कि वो लोकसभा चुनाव में केंद्र में दोबारा बीजेपी की सरकार बनाने में मदद करें। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार का रहना बेहद आवश्यक है। जब से हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया है, केंद्र सरकार से 9 महीने के छोटे से कार्यकाल में 9,000 करोड़ रुपए की मदद केंद्र सरकार से स्वीकृति के रूप में हिमाचल को मिलना, ये बहुत बड़ा विषय है। मैंने सारे पिछले सरकारों का थोड़ा आंकड़ा निकालने की कोशिश की है कि कौन सी सरकारें हैं जो पीछे जिनने हमसे बेहतर काम किया है, और मैं देखना चाहता था, मैंने अधिकारियों को कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि हमसे कोई काम अगर छूट गया हो, कमी रह गई, उस काम को हम करना चाहेंगे, हमको बताइए। तो तमाम पिछला रिकॉर्ड जब निकाला गया, पिछले सरकारों के 9 महीने के कार्यकाल में 100, 200 करोड़, 300 करोड़ से ज्यादा कभी भी हिमाचल के लिए पैसा नहीं आया। चाहिए ही हर हालत में चाहिए, मोदी जी दिल्ली चाहिए, दिल्ली के सिवाय कहीं नहीं चाहिए, वो दिल्ली में होने चाहिए। प्रधानमंत्री उनको फिर से बनाने के लिए हमारी आवश्यकता है, देश की आवश्यकता है। एक छोटी सी घटना हो, छोटी क्या घटना हिमाचल प्रदेश में होती है, पूरा बारिश का मौसम निकल गया और हमने सोचा कि अब की बार बारिश के इस मौसम में हम तो है बहुत बड़े नुकसान से बच गए। नुकसान हुआ बारिश में, लेकिन जब अंतिम दौर बरसात का ऐसा आया, 3 दिन का ऐसा बरसात का दौर आया और उसने इतनी तबाही मचा दी, एक तरफ पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण तांडव नदियां उफान पर, लोग नदियों में फंस गए, लोग सड़कों में फंस गए। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।